सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेनमैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये वीडियो, इसको आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे जाकर भी आप लोगों को इंडियन रेलवेज़ के सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट्स मिलती रहें और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोग को इसी चैनल के ऊपर अपडेट्स मिलती रहेंगी। दोस्तों, शुरुआत करें हम लोग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के में, तो इसके ऊपर मैंने पहले ही काफ़ी सारी डिटेल वीडियो बना रखी हैं। तो अगर आप लोगों ने डिटेल में वो वीडियोस नहीं देखी और अगर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप लोग ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक कर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अभी मैं डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में जो बात है ये करने वाला हूं। तो फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें हम लोग मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में बन रहे हमारे 508 किलोमीटर के बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के बारे में, तो एक प्रॉब्लम इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के साथ में शुरुआत से है और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो भी रिसेंटली आई है। दोस्तों, पहली यहाँ पर जो प्रॉब्लम है जो कि इस प्रोजेक्ट के साथ में शुरुआत से है वो है लैंड एक्विजिशन की, और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर महाराष्ट्र में रिसेंट गवर्नमेंट चेंज की। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में रिसेंट गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं इस प्रोजेक्ट के सामने, क्योंकि दोस्तों इस सारी चीज़ों में, यानी कि ये जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, इसमें सारी चीज़ें पहले से डिसाइड करके रखी गई थी कि कितना पैसा हम लोगों को बाहर की कंपनीज देंगी एज अ लोन, कितने पैसे जो हैं यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है और कितने पैसे यहाँ पर हमारी गुजरात की गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देगी। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये है कि पहले यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी महाराष्ट्र में, लेकिन रिसेंटली यहाँ पर शिवसेना की गवर्नमेंट आई है। और आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं उनको चेक करती है, उनको रिव्यू के ऊपर डाल देती है। ऐसे में जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग नहीं रही है और वो नहीं चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये आगे जाकर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के ऊपर और हमारी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, दोनों के ऊपर ही एज अ फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, काफ़ी सारी जगह जो बिड्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर इन्वाइट कर ली गई हैं, काफ़ी ज़्यादा जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये बन चुके हैं और इंटरनेशनल ग्राउंड्स के ऊपर भी इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्गेनाइज किया जा चुका है। ऐसे में सिर्फ एक स्टेट की गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को रोका जाना काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं इम्पॉसिबल सा है। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोस्तों, रिसेंटली यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो बजट है ये भी आया था। ऐसे में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 5,000 करोड़ रुपये जो कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देने वाली थी उसको अप्रूव किया है अपने EBR से, जो कि है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स से। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये 2020-2021 की पिंक बुक के अंदर भी दी हुई है। इसका मतलब कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अगर यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपये नहीं भी देती है तो उसका जो फुलफिलमेंट है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है EBR से। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए NHSRCL को 5,600 करोड़ रुपये जो हैं ये ऑलरेडी अलॉट कर दिए हैं, ताकि वो काम जो है इसको शुरू कर दें और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से शुरू करें। और दोस्तों, इसका जो काम है वो होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि दोस्तों 69% बिड्स जो हैं इस प्रोजेक्ट की, यानी कि तकरीबन 350 किलोमीटर की जो बिड्स हैं इनको ऑलरेडी यहाँ पर जो इन्वाइट है कर लिया गया है। और साबरमती रेलवे स्टेशन का जो काम है ये जनवरी 2020 यानी कि इस साल के जनवरी में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव अपडेट्स निकल कर आ रही हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर लैंड एक्विजिशन का करंट में क्या स्टेटस है। अब दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के साथ में दूसरी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो वो है लैंड एक्विजिशन की, जो कि इस प्रोजेक्ट को जब से लॉन्च किया गया है तब से इस प्रोजेक्ट के साथ में चलती आ रही है। दोस्तों, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसीलिए हो रही है क्योंकि जो किसान हैं वो अपना लैंड जो है इसको नहीं देना चाहते हैं। अब दोस्तों, कई हद तक यहाँ पर जो किसान हैं उनको हम लोग गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि काफ़ी सारे किसान जो हैं वो किसी दूसरी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। ऐसे में अगर वो अपना लैंड दे देते हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है, वो अगर अपना लैंड दे देंगे तो उसके
बाद में वो क्या करेंगे, उनके पास में कुछ फ्यूचर प्लानिंग नहीं रहेगी, अभी उनके पास में खेती का एक काम रहता है तो उनको अपना फ्यूचर थोड़ा सिक्योर्ड लगता है। ऐसे में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या फिर हमारा जो NHSRCL है वो किसानों के साथ में लगातार बात कर रहे हैं, उनको लगातार यहाँ पर बताया जा रहा है उनके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनको अच्छा दाम भी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें लैंड एक्विजिशन के नंबर्स के बारे में, तो दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 1380 हेक्टेयर का जो लैंड है वो रिक्वायर्ड था, जिसमें से 347 हेक्टेयर का जो लैंड है वो महाराष्ट्र में रिक्वायर्ड है, जिसमें से अभी सिर्फ 20% लैंड जो है ये एक्वायर किया गया है। ऑल ओवर दोस्तों अगर हम लोग बात करें लैंड एक्विजिशन की, तो यहाँ पर टोटल इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का अभी तक 50% लैंड जो है इसको एक्वायर किया जा चुका है। ऐसे में दोस्तों लैंड एक्विजिशन का जो पूरा प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा पुअर चल रहा है, लेकिन इसके लिए हम लोग हमारी NHSRCL को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि लोग यहाँ पर कॉरपोरेट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छा दाम भी दे रही है, मार्केट रेट से ज़्यादा पैसे भी दे रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो अपनी ज़मीन को नहीं देना चाहते। और दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है क्योंकि वो अपना लैंड नहीं देना चाहते, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनकी जो हियरिंग है वो सुनने का फैसला लिया है। अब दोस्तों ऐसे में आप सभी लोगों को पता है कि एक बार अगर कोई केस कोर्ट में पहुँच जाता है तो उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है हियरिंग वगैरह में, तो अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कब तक होती है, अब देखते हैं कि ये जो केस है कब तक हो पाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद हैं और ये जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा लॉकडाउन की वजह से। अब देखने वाली बात ये रहती है कि हियरिंग वगैरह के बाद में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या फैसला लेता है, और जैसे जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आता है तब तक ये जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है ये और आगे नहीं बढ़ पाएगा, लैंड एक्विजिशन का काम जो है ये और आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे जाके जो भी होगा, इसके बारे में आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी इसी चैनल के ऊपर। तो बुलेट ट्रेन की प्रोजेक्ट को लेकर अगर आप लोगों को फर्दर अपडेट्स चाहिए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, आगे जाकर भी आप लोगों को बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के स्टेटस के ऊपर काफ़ी सारी अपडेट्स की वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को से आप लोगों को पता चल गया होगा कि करेंटली हमारे भारत में जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है उसकी क्या स्टेटस है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और फ्यूचर में हमारी गवर्नमेंट का इसको सॉल्व करने का क्या प्लान है। इसी के साथ में दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो उसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को रेलवे से रिलेटेड और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।